पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि शहरी महिलाओं में नॉर्मल डिलीवरी की जगह सिजेरियन डिलीवरी का चलन बढ़ गया है। शायद ये बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि सिजेरियन डिलीवरी माँ और बच्चे दोनों के लिए बेहतर नहीं मानी जाती। इसी वजह से सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिला का ख्याल ज्यादा रखने को कहा जाता है। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं सिजेरियन डिलीवरी से होने वाले 5 नुकसान। नंबर 1, सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिला का शरीर अपेक्षाकृत अधिक कमजोर हो जाता है और उसके शरीर में निकलने वाले रक्त की मात्रा नॉर्मल डिलीवरी में निकलने वाले रक्त की तुलना में दोगुनी होती है। नंबर 2, डिलीवरी के बाद शरीर में मोटापे के अलावा और भी कुछ बदलाव होते हैं जो कई तरह की बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। मोटापे की ये संभावना बच्चे में भी उतनी होती है। नंबर 3, सिजेरियन डिलीवरी से जन्म लेने वाले बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है जिसकी वजह से बच्चे बीमारियों का सामना अपेक्षाकृत उतनी आसानी से नहीं कर पाते जितना नॉर्मल डिलीवरी से जन्म लेने वाले बच्चे कर लेते हैं। नंबर 4, सिजेरियन से जन्मे बच्चों में ब्रोंकाइटिस और एलर्जी का खतरा सबसे अधिक होता है। इसका प्रमुख कारण उनके इम्यून सिस्टम कमजोर होना है। नंबर 5, सिजेरियन डिलीवरी में माँ को स्वास्थ्य और खान पान के प्रति कई तरह की सावधानियाँ रखनी होती हैं, जिनकी अनदेखी का नकारात्मक असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी के मुकाबले सिजेरियन डिलीवरी का खर्च भी बहुत ज्यादा होता है। हमारी यही राय है कि जब तक डॉक्टर ना कहे सिजेरियन डिलीवरी से बचना चाहिए। NMF न्यूज की रिपोर्ट।